for the winner is the Big Boss. इस देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और मैं हमेशा से जानना चाहता था कि बिग बॉस के अंदर की सेट की फीलिंग कैसी होती होगी, लेकिन बिग बॉस में घुसना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम लोग मेरा माइंडसेट तो जानते ही हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बिग बॉस का सेट है फिल्म सिटी में, तो हमारा पहला स्टेप है फिल्म सिटी के अंदर घुसना। और फिल्म सिटी मेरे फ्लैट से ऑलमोस्ट आधे घंटे की दूरी पर है, तो मैं पहुंच गया सीधा फिल्म सिटी और खुद को प्रोडक्शन वाला बता के अंदर घुस गया। फिर अगला स्टेप था बिग बॉस का सेट ढूंढना। फिर वहां सेट के बाहर मैंने पहुंचते ही देखा कि वहां पे मीडिया वाले और फैंस की भीड़ लगी हुई है और सिक्योरिटी भी तगड़ी है। फिर कुछ ही देर में मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आते जाते देखा, जैसे पिछले साल के बिग बॉस विनर MC स्टैन, सुनील शेट्टी, भारती, हर्ष, कृष्णा, सुदेश, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के घर वाले और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी। एक के बाद एक न्यूज आते जा रही थी कि अरुण एलिमिनेट होता है नंबर 5 पर, अंकिता लोखंडे एलिमिनेट होती है नंबर 4 पर, मनारा चोपड़ा एलिमिनेट होती है नंबर 3 पर, आखिरी में बचे हमारे टॉप 2 अभिषेक कुमार और मेरा भाई मुनावर फारूकी। दिल के कोने में मैं जानता था कि मुनावर ही जीतेगा, लेकिन अभिषेक भी तगड़ा कंटेंडर था। वहां पे कुछ मीडिया वाले भी मुझे जानने लगे थे और मेरी क्लिप लेने लगे थे, और तभी कुछ मीडिया वालों को वहां अंदर जाने का अलाउंस मिला, लेकिन उनको ही अंदर जाने मिल रहा था जिनके हाथ में बैंड था, और बैंड उनको ही मिल रहा था जिनका लिस्ट में नाम था। तो सारे मीडिया वाले भी अंदर नहीं घुस पा रहे थे, तो मैं कैसे घुसता, और मुझे घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब बस एक ही रास्ता बचा था। मैंने देखा दो लोग अंदर जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ साथ चलने लगा। मैं पकड़ा जाता तो क्या होता मेरे साथ, ना ही मैं जानता था ना ही मुझे फर्क पड़ रहा था। मैं बस इतना जानता था कि मुझे आज बिग बॉस के सेट के अंदर घुसना है और मैं घुस के ही रहूंगा। और फाइनली मैं घुस गया बिग बॉस के सेट के अंदर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बिग बॉस के सेट के अंदर घुस चुका हूँ। मैं बहुत ही पैनिक कर रहा था, मैं घबरा गया था कसम से। मेरे सामने सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स खड़े थे, आयशा, विक्की, अंकिता लोखंडे, ईशा, नील, ऐश्वर्या, अरुण, सब के सब, सिर्फ मुनावर और अभिषेक को छोड़ के। लेकिन वहां पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी और कुछ लोगों को तो फोन भी अलाउड नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरा फोन था। लेकिन अगर मैं एकदम ऑब्वियस रिकॉर्डिंग कर रहा होता और उन लोग मुझे देख लेते और मेरे हाथ में बैंड नहीं देखते, तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन अब इतना आगे बढ़ चुके हैं तो कुछ ना कुछ फुटेज तो लेना ही था, तो मैंने जितना हो सके थोड़ी बहुत फुटेजेस ली, जैसे अंकिता लोखंडे की। और फिर मैं भीड़ में गया जहाँ पे सब लोग थे, और वहां पे जैसे ही मैंने कैमरा शुरू किया, कैमरा का फ्लैश चल गया और सबकी नजर एकदम मुझ पे पड़ गई, तो मेरी फट के हाथ में आ गई। तो मैं जल्दी से वहां से निकलने लगा और मैं टॉयलेट में घुस गया। और जैसे ही मैं टॉयलेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तभी अचानक एक बॉडीगार्ड घुस गया वहां पे और वो मुझे देखने लगा। तो मैं ऐसी कॉल का बहाना बना के बाहर निकला, और जैसे मैं निकल रहा था, मैं मुड़ के देखा तो मेरे पीछे 2-3 गार्ड आ रहे थे। तो मैं फटाफट बाहर जाने लगा और मैं सीधा सेट के बाहर निकल गया, और सेट के बाहर क्या, मैं सीधा फिल्म सिटी के बाहर निकल गया। कुछ फुटेजेस मैंने तुमको दिखा दिए, लेकिन मैं सारे फुटेजेस तुमको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे सब बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे, सेलिब्रिटीज थे, उनके घर वाले थे, तो वो दिखाना सही नहीं होगा, और वहाँ पे वैसे भी शूटिंग अलाउड नहीं थी। लेकिन सारी फुटेजेस मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ठीक है यार, उनकी भी प्राइवेसी है। तो वहां से मैं निकल गया रिजल्ट के जस्ट आधे घंटे पहले, और जब मैं रूम पे पहुंचा तब तक रिजल्ट निकल चुका था। सो द विनर इज मुनावर। भली वो सब मोमेंट्स में लाइव एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भाई मुनावर फारूकी बिग बॉस जीता है, और इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। और उनके साथ भी इतनी सारी चीजें हुई है, क्या क्या, वो सब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, अब तो सबको पता है। तो उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं और जल्द ही हम भी वीडियो बनाएंगे बिग बॉस 17 विनर मेरा भाई मुनावर फारूकी के साथ। तो चलो, तुम लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू वांट मी टू डू नेक्स्ट, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। द गोल इज टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। तो चलो, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।